आज की हेडलाइंस लेकर मैं मलिक रूह और मैं मोहम्मद आमिर आपकी खिदमत में हाजिर। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों में 334 अफराद की हुई मौत, मुतासरीन की तादाद 3,46,000 से तजावुज कर गई। पूरी दुनिया में कोविड-19 से 4.5 लाख से ज्यादा अफराद की हो चुकी है मौत, 84,19,640 अफराद मुतासर। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अफराद की मौत, आज जम्मू और कश्मीर से 2-2 अफराद की मौत, मुसलसल केसों की बढ़ रही है तादाद। जम्मू कश्मीर के लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट का और करना पड़ेगा इंतजार, 8 जुलाई तक जारी रहेगी 2G सर्विस। हिंदुस्तान 8वीं बार सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब, चीन पाकिस्तान समेत सभी मुल्कों ने की हिमायत। बेग्राम डूरू के लोगों ने PHE डिपार्टमेंट के खिलाफ किया एहतजाज, पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से डूरू को अकरना का रोड किया था ब्लॉक। कोविड-19 से कश्मीर के डॉक्टर मोहम्मद अशरफ की सऊदी अरब में हो चुकी है मौत, पिछले 35 सालों से वहां कर रहे थे काम। जम्मू कश्मीर सरकार ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर नईम अख्तर पर आई पब्लिक सेफ्टी एक्ट को किया मंसूख। हिंद चीन कशीदगी पर वजीर खारजा का बयान, कहा मुल्क की खुद मुख्तारी की तहफ्फुज के मामले में नहीं किया जाएगा कोई समझौता। जो अहलकार मरकज के खत्ते में कोरोना वायरस से मुतालिक मजबूत पाए गए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन अहलकारों को माली इमदाद करने का किया फैसला। इंडियन रेलवेज ने चीनी कंपनी बेजिंग नेशनल रेलवे डिजाइन का 470 करोड़ रुपए का आलमी बैंक फंडिंग का महादा किया मंसूख। लगातार 12 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रहा है इजाफा, आज पेट्रोल 53 पैसे और डीजल 64 पैसे फी लीटर में किया गया इजाफा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिला के अवंतीपुरा इलाके में CRPF के एक एहलकार ने खुदकुशी कर ली। जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज के मुश्तरका टीम ने अनंतनाग के जंगलात मुंडी अस्पताल से हिजबुल की नौ भर्ती अक्सरियत पसंद को किया गिरफ्तार। आज की हेडलाइंस में इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।